एक तरफ सारा बॉलीवुड और एक तरफ ये आउटसाइडर लड़की, एक तरफ दुनिया जहां के ट्रोलर्स और एक तरफ ये 5 फुट 1 इंच की चूहिया सी लड़की। एक तरफ है बड़े बड़े भांड और नचनिया तो दूसरी तरफ अकेली खड़ी हुई है उर्फी जावेद। आदि मानव ने जब से चलना शुरू किया ही था तभी से इस पर वीडियो बनाने की मांग हो रही थी, लेकिन हमें लगता था कि अभी इसे थोड़ी और बड़ी होने दो, लेकिन ये बेवफा आज की डेट में इतनी बड़ी हो गई कि ये एक नहीं 2 वीडियोस डिजर्व करती हैं। बिना किसी रील और टिकटॉक के सोशल मीडिया के थ्रू उर्फी जावेद शायद ऐसी पहली प्राणी है जो लड़की जैसी दिखती है, जो बिना कुछ करे इतनी फेमस हो गई। ये रील्स वाली और शॉर्ट वीडियो बनाने वाली कम से कम 3.5 किलो व्हाइट वॉश लपेट के सॉन्ग्स में लिप सॉन्ग्स करने की कोशिश तो करती हैं। इस बिचारी ने तो आज तक वो भी नहीं किया। उर्फी जावेद इंटरनेट सेंसेशन आज किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसने इतनी छोटी सी एज में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि वो पंखा भी इससे बोलता होगा। बाबू, इतनी एज में तो आज तक मैं भी नहीं चला जितनी तू छोटी सी एज में चल ली। उर्फी भी कम थोड़ी है, वो भी पंखे को चिढ़ाकर जीभ निकाल कर चली जाती है। एक मिनट, ये बीच बीच में से मजा नहीं आएगा, शुरू से शुरू करते हैं। उर्फी जावेद का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 15 अक्टूबर 1997 को। थैंक गॉड पहले ही आ गई, नवंबर में आती तो थोड़ा सा बुरा लगता। उर्फी टोटल 4 बहनें और इनका एक छोटा भाई है। उर्फी जब 13-14 साल की थी तभी इसके फादर ने इसकी मदर को बिना तलाक दिए छोड़ दिया और दूसरी बहन बांध ली। उर्फी के बारे में लिखा है कि इसने कॉन्वेंट स्कूल से 12th क्लास पास की है और फिर मास कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री पूरी की, वो भी लखनऊ अमेठी यूनिवर्सिटी से। मतलब अमीर फैमिली से है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अमेठी में कोई गरीब घर का बच्चा भी पढ़ता होगा। वैसे कहीं कहीं उर्फी के बारे में ये भी लिखा है कि इसने मास कम्युनिकेशन नहीं बल्कि अमेठी से BBA किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों जगह इसकी अलग अलग डिग्री लिखी है और जब हम अपनी प्राइवेट आंखों से उर्फी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें नहीं लगता कि इस बेचारी से 4th क्लास की परीक्षा भी पास हुई होगी। इसके अलावा खुद उर्फी ने कई बार इंटरव्यू के दौरान बताया है कि वो अपनी फैमिली से तंग आ गई थी और सिर्फ 17 साल की छोटी सी एज में लखनऊ से दिल्ली भाग गई, साथ में अपनी 2 बहनों को ले गई। दिल्ली जाकर तो वापस ये लखनऊ की अमेठी यूनिवर्सिटी से BBA या मास कम्युनिकेशन करने से रही, और ना अमेठी यूनिवर्सिटी की इतनी हैसियत है कि वो उर्फी जावेद जी को अपने यहाँ अफोर्ड कर सकें। वैसे उर्फी ने खुद बताया आपने प्राइवेट मुझसे कि दिल्ली जाकर वो मॉडलिंग में ट्राई करने लगी। फिर इसने ग्रेजुएशन कब और कहाँ से कर लिया, और 17 साल की छोटी सी एज में कोई ग्रेजुएट नहीं होता, इतना तो हमें भी पता है, हमें भी समझ में आता है, हम पागल हैं क्या, हमें कुछ नहीं पता। बात करती है BBA और मास कम्युनिकेशन की। सही है, इसने नहीं किया या कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, वरना इसके रंग ढंग देखकर पूरी क्लास फेल हो जाती, बस लड़कियों को छोड़कर। खैर, दिल्ली जाकर इसने मॉडलिंग में कुछ छोटे मोटे असाइनमेंट किए, लेकिन वो नाकाफी थी। इसके बाद इसने अपने कपड़े अपने पर्स में रखे और मुंबई आ गई। साल 2015 में मुंबई आई और साल 2016 में इसने सोनी टीवी के लिए एक शो किया जिसका नाम था बड़े भैया की दुल्हनिया। उसमें इसका एक छोटा सा रोल था, वो इसका डेब्यू था। इसके बाद इसने 2-4 और टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन सभी में इसके साइड रोल थे या कैमियो थे। वैसे ये 2018-19 तक ही समझ गई थी कि इससे एक्टिंग नहीं हो पाएगी या एक्टिंग खुद इसे अपने मुंह नहीं लगाएगी। फिर इसने वही किया जो ऑलमोस्ट सभी फ्लॉप एक्ट्रेसेस करती हैं। उर्फी ने पहले तो स्टाइल के नाम पर अपने कपड़े का साइज छोटा किया। छोटा क्या, इस मोहतरमा ने तो साइज का लपड़ा ही खत्म कर दिया और रोज रोज तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाती। लास्ट कई सालों से देख रहे हैं, ये मैडम हफ्ते के 12 दिन तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। जाती कहाँ है हमें तो क्या, अगर खुफिया एजेंसी भी इसकी जांच करे तो इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सकती कि आखिर ये एयरपोर्ट से जाती कहाँ है। लेकिन रेडी होकर एयरपोर्ट जाना जरूर है, ये इसका फिक्स है। और तैयार भी क्या होना होता है इसका, एक हैंकी और आधी, हाँ मतलब इसे कंप्लीट तैयार होने के लिए 1.5 हैंकी काफी है। फैशन के नाम पर इसने आज की डेट में जो तांडव मचाया हुआ है, ऐसे लगता है सोशल मीडिया का जमाना बस इसी वजह से आया है कि हम तुच्छ मानव जाति इस महान फैशनेबल उर्फी के फैशन को अपनी प्राइवेट आंखों से देखें और मोक्ष की राह पर निकल पड़े। हमने नहीं देखा, लेकिन जिस जिसने देखा है वो निकल ले। हालांकि ये आए दिन किसी न किसी विवाद में भी फंसती रहती है। कभी इस पर कोई कमेंट कर देता है, कभी इस पर कोई अश्लीलता फैलाने के आरोप में FIR कर देता है। उर्फी की खुद की इतनी एज नहीं है जितने इस पर केस हो रखे हैं, लेकिन फांसी की सजा इसे आज तक नहीं हुई।
क्या ये फांसी वाला क्राइम नहीं है? फांसी वाला क्राइम नहीं है तो कुछ तो सजा होती, लेकिन नहीं हुई और ना होगी। दरअसल उर्फी जावेद को पहले सब लोग जावेद अख्तर की पोती समझ रहे थे, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि ये जावेद अख्तर की पोती नहीं है बल्कि उसकी भी दादी है। उर्फी जावेद पर पहले भी कई एक्ट्रेस और सेलिब्रिटीज कमेंट कर चुके हैं, लेकिन उर्फी हर किसी को खुलकर जवाब देने से पीछे नहीं हटती। चाहत खन्ना से इसका विवाद तो बहुत फेमस हुआ था। चाहत ने इसके फोटोज पर कमेंट किया तो इसने भी उसे जवाब दिया और उसके डाइवर्स पर ताना मारा। ऐसे ही एक टीवी शो में करीना खान तैमूर वाली रणबीर कपूर के साथ बात कर रही थी तो उसने रणबीर कपूर से पूछा कि उर्फी के कपड़े उसे कैसे लगते हैं, तो रणबीर कपूर ने कहा कि मुझे उसके कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब करीना खान कहती है कि वो एक बहादुर लड़की है, बहुत बहादुर है। अगले दिन पर पेपराजी पहुंच जाती है उर्फी से उसका रिएक्शन लेने। उर्फी ने रणबीर कपूर के लिए कहा कि उसे भाड़ में जाने दो, मैं तो करीना आंटी की तारीफ पर ही फुदकने लगी हूँ। लेकिन ये करीना आंटी वैसे इसे किस वे में बहादुर बोल रही थी? इन नचनिया गैंग की नजरों में नंगी घूमना ही बहादुरी होता है क्या? लड़कियां नशा करें, अय्याशी करें या खुद के एग्जीबिशन, भले ही दुकान में सामान कुछ ना हो वो बहादुरी है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना। खैर, इसी तरह चेतन भगत जो कि एक राइटर है, उसने भी उर्फी पर एक कमेंट किया था। वैसे इस बंदे पर खुद यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। यही बात उर्फी ने भी पलट कर उसे बोल दी कि तू मेरे लिए बोल रहा है, तेरे ऊपर तो खुद यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इसी विवाद में चाहत खन्ना ने बाद में अपनी टांग घुसाई थी। उर्फी पर अलग अलग लोगों ने 20 से ज्यादा केस दर्ज करा रखे हैं। बीजेपी के एक नेता है जिनका नाम है चित्रा बाग, उसके साथ भी उर्फी का विवाद एक समय पर बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया था। बीजेपी नेता ने FIR भी कराई थी और सोशल मीडिया पर दोनों में काफी ज्यादा बहस हुई। तब चित्रा बाग ने कहा कि उर्फी का ऐसा नंगा नाच मुंबई में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब उर्फी ने भी कहा था कि उसका ऐसा नाच जारी रहेगा। बाद में इस विवाद में पुलिस नेता और महिला आयोग भी अपना अपना टाइम पास करने लगे थे। एक टीवी एक्टर है जिनका नाम है फैजान अंसारी, उसने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उर्फी के बारे में कहा कि उर्फी लड़की नहीं है बल्कि ये एक किन्नर है। उसने कहा कि मेरे पास इस बात के बहुत सारे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि उर्फी लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है और वो समाज को इस इंडस्ट्री को गंदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंडस्ट्री का माहौल कब साफ था और इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा बंदा है जो इस समाज को गंदा नहीं कर रहा? इस टटपुंजे एक्टर ने ये नहीं बताया। पालतू आदमी बकवास कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी प्यारी राज दुलारी उर्फी के बारे में। ऐसी चुभती हुई बातें कही ना इस पालतू आदमी ने कि बस दिल टूट गया। अरे हमारा नहीं रे बाबा, हमारा नहीं, हमारा तो पहले से ही टूटा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उन ठरकी लोगों की जो सोशल मीडिया पर उर्फी को फॉलो करते हैं। ट्विटर पर 66,000 से ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम पर 4.2 मिलियन, 42 लाख लोग इसको फॉलो करते हैं। जब हमने 4.2 मिलियन इसके इंस्टा फॉलोअर्स देखे तो हम सदमे में आ गए। कौन है ये लोग? कौन है ये 42 लाख लोग? कमीने ठरकी कहीं के। ठरकी पने की भी एक हद होती है यार। ये 4.2 मिलियन 66,000 और अगर दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो लगभग टोटल मिलाकर लगभग 55-60 लाख के करीब मानकर चलें। तो ये सारे के सारे ठरकी हैं जो अपने गली मोहल्ले गांव में बकरी और कुतिया को भी ओयो रूम में ले जाने से नहीं चूकते होंगे। इतना ठरकपन भी आखिर किस काम का है यार? और जिस इंसान को उर्फी को देखकर जिसके दिमाग में हवस चल रही है और आंख बंद करके उसको फॉलो कर रहा है, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये लोग होते कौन हैं। आप लोगों ने ऐसी खबरें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी कि किसी ने कुतिया को कोने में ले जाकर ABCD सिखा दी, बकरी को घुसा के कोठे में ले जाकर सनी लियोनी का पूरा चैप्टर अच्छे से याद करा दिया। ये सब वही लोग हैं, शक्ति कपूर कहीं के। और विद्या कसम खा के बोलो, आप में से तो कोई नहीं ना, नाक न कटवा देना हमारी कहीं यहाँ भी और वहाँ भी। क्या मुंह दिखाएंगे हम आने वाली जनरेशन को और क्या सिखाकर जा रहे हैं हम इस देश के युवाओं को? वैसे युवाओं से याद आया, हमारे देश के युवाओं को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं रह गई है आज की डेट में। उर्फी जावेद को फॉलो कर रहे हैं यार, हद हो गई, कुछ तो स्टैंडर्ड का ख्याल रखो। उर्फी जावेद को मियां खलीफा को जाकर फॉलो कर लो, वहां कुछ तो दिखेगा। अरे कुछ तो दिखेगा, यहाँ उर्फी जावेद को फॉलो करके तो बस बहुत हो गया इतना। खैर, जब तक हम इस पर सेकंड पार्ट लेकर आए तब तक कमेंट में आप भी इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें कि आखिर ये डेढ़ हैंकी में अपने हड्डियों का ढांचा दिखाकर क्या साबित करना चाहती है, इसका मकसद क्या हो सकता है। और अगर उर्फी पर हमारी कही इन सारी बातों से आप भी सहमत हैं तो
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर इस फैमिली का हिस्सा बनें।